नमस्कार, मैं जितेश अनेजा और आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस। आज के हमारे खास विषय में हम बात करेंगे नरेंद्र उपाध्याय जी से, जो अखिल भारतीय ब्राह्मण संघ परशुराम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ उत्तम नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी से वार्ड 28 ऐसे अध्यक्ष भी हैं। आज इनसे खास बातचीत करते हैं, किस तरह पूरे लॉकडाउन के बारे में बताएंगे और जिस तरह हमारे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, जिस तरह हालत बनी हुई है, उसको देखते हुए क्या कहेंगे वो इनसे जानते हैं। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दिल्ली प्रदेश ब्राह्मण के अध्यक्ष हैं आप, अखिल ब्राह्मण संघ, तो क्या लगता है ब्राह्मण जी के लिए क्या आपकी पूरी वो है योजना बनाई हुई है आपने उनकी मदद के लिए? देखो भाई, कोई भी गवर्नमेंट आती है, आज़ादी के बाद से ब्राह्मणों का उपयोग लोग करते हैं जी, बगैर ब्राह्मणों का काम भी नहीं चलता है जी, लेकिन ब्राह्मणों को इग्नोर भी करते हैं जी। वो उनकी बौद्धिक क्षमता इतनी है कि उनको कोई इग्नोर करके उनको दबा नहीं सकता जी, वो जन्मजात है। दूसरी बात, कुछ हमारे कथावाचक, हमारे ब्राह्मण समाज के लोग, उनकी भी मैं कुछ गलती मानता हूँ कि वो ब्राह्मणों को जिस तरह से जो ब्राह्मण का रूप है वो प्रस्तुत नहीं करते जी। ब्राह्मणों को इस रूप से ऐसे प्रस्तुत करते जैसे कि ब्राह्मण कोई भिखारी है। ब्राह्मण कोई भिखारी उखारी नहीं होता है जी। ये जिसने भी वक्तव्य दिया है कई बार उनको मैं मूर्ख मानता हूँ जी। ब्राह्मणों ने समाज को दिया है, ब्राह्मणों ने समाज से लिया नहीं है, उन्होंने दिया है, विद्या का दान दिया है, शिक्षा का ध्यान दिया है, लोगों का मार्गदर्शन किया है। आप त्रेता से आ जाइए, भगवान राम को मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले गुरु वशिष्ठ जी थे, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया अपनी शिक्षा दीक्षा से गुरु वशिष्ठ, उनकी चर्चा लोग नहीं करते। द्वापर में आ जाइए, भगवान श्री कृष्ण को उनके गुरु भार्गव जी, महर्षि संदीपन जी ने जो शिक्षा दीक्षा दी, उसके आधार पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या किया है, तो उन्होंने जो अच्छे कर्म किए हैं भगवान ने, वो तो बड़ी अच्छी बात है, उसका प्रसारण होना चाहिए, लेकिन उनके गुरुओं का क्या योगदान है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता जी। उसी तरह आप आ जाइए द्वापर में, द्वापर में अर्जुन को एक महान योद्धा के रूप में लोग जानते हैं, लेकिन उनको महान योद्धा बनाने वाला कौन था? आचार्य द्रोण। क्या आचार्य द्रोण नहीं होते तो क्या अर्जुन अर्जुन बन जाते? तो अर्जुन की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन आचार्य द्रोण को क्यों इग्नोर किया जा सकता भाई, उनकी चर्चा होनी चाहिए। अब आ जाइए कलयुग में, कलयुग के बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ पर अखंड भारत का निर्माण किसने किया? अखंड भारत का निर्माण करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे, बहादुर थे, लेकिन उनको बनाने वाला कौन है? आचार्य चाणक्य। लोग महाराणा प्रताप की चर्चा करते हैं, हम भी उनके बहुत बड़े एक प्रकार से भक्त हैं जी, महाराणा प्रताप की चर्चा होनी चाहिए, वो वीर थे, लेकिन उनको बनाने में, उनको त्रासने में योगदान किसका है? उनके पिताजी का योगदान कम था, आचार्य राघवेंद्र का था, उनकी चर्चा कोई नहीं करता जी। उसी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की चर्चा होती है, उनके गुरु की चर्चा, उनके गुरु को जानते ही, समर्थ गुरु रामदास, जिनके बगैर वो अधूरे थे, मुगलों से जंग लड़ा, लेकिन उनके गुरु समर्थ रामदास की कोई चर्चा नहीं करता जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण ने समाज को दिया है, त्रेता में भी दिया, द्वापर में भी दिया, कलयुग में भी दिया, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया है, शिक्षा दीक्षा देते थे लोग खुशी से, जो ले जा करके उनके जेब में डाल देते थे वो स्वीकार करते थे, फ्री ऑफ कास्ट उनको सेवा देते थे, उसको दक्षिणा का नाम देते देते अब लोग कहते ब्राह्मण तो भीखे मांगता, उनका काम ही, मैं इसको नहीं मानता हूँ। ब्राह्मण समाज को देता है, त्रेता में दिया, द्वापर में दिया, सतयुग में दिया और कलयुग में भी दे रहा है, और आज के सरकार को भी अगर मार्गदर्शन ब्राह्मण का मिलता है वो सरकार बढ़िया से चलती है। ब्राह्मणों को लोग इग्नोर क्यों करते हैं मुझे ये समझ नहीं आता, ब्राह्मण दुश्मन किसी का नहीं है, ब्राह्मण एक दिशा देता है, लोग पता नहीं उसके बाद क्या भ्रांतियां फैलाते हैं। मैं अपने धर्म गुरुओं से और अपने ब्राह्मण समाज के लोगों के अंदर भी ये जाकर बोलता हूँ कि भैया खीर पूड़ी खाने के लिए ब्राह्मण पैदा नहीं हुआ, ब्राह्मण लोगों को दिशा निर्देश देता है, मार्गदर्शन करता है, आप इन बातों को फैलाइए, ये मेरा मोटो है और मैं सब में जागृति पैदा कर रहा हूँ ब्राह्मण समाज के अंदर जी। इन 60 दिनों से देश लॉकडाउन है, केवल दिल्ली की बात करूँगा तो ब्राह्मण समाज के लिए आपने किस तरह काम किया है सर? मैंने सिर्फ ब्राह्मण समाज को तो जहाँ जरूरत पड़ती है मैं उनकी हेल्प के लिए जाता ही जी, मैंने सर्व समाज के लिए जी, मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण संघ परशुराम का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उसके साथ साथ मैं आम आदमी पार्टी उत्तम नगर
वार्ड से अध्यक्ष भी हूँ जी, यहाँ हमारे विधायक जी के नेतृत्व में समाज के अंदर जिस तरह की सेवा भावना से कार्यक्रम चल रहे हैं जी, गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, उनके थ्रू थ्रू हुआ है। उसके अलावा मैंने व्यक्तिगत स्तर पे, अपने स्तर पे कम से कम 10 कुंटल आटा, 10 कुंटल चावल और भी आर्थिक मदद जिस तरह की जरूरत होती है गरीबों में, अपने लेवल पे जा करके अपने लेवल पे किया हूँ। कोई जहाँ जो जरूरतमंद आता है उसको मैं सेवा में तत्पर रहता हूँ और न पीछे हटूंगा जी। उपाध्याय जी, एक सवाल करूँगा मैं गरीब वर्ग मजदूरों को लेकर। जब से लॉकडाउन हुआ है हमारे देश में, तब से ही जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, वो मरता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी वो ट्रक के नीचे आता है, कभी उसे ट्रेन कुचल देती है, कभी वो घर जाने की हमें अपना दम तोड़ देता है। इनका जिम्मेदार क्यों क्यों नहीं सरकार की मदद करती, चाहे हम केंद्र की सरकार की बात करें, चाहे हम राज्य सरकारों की बात करें। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है जी। लोग अपने अपने ईगो में है। थोड़ी सी डिस्कशन, जैसे प्रधानमंत्री जी देश के सारे मुख्यमंत्रियों के साथ डिस्कशन कर रहे थे, वो देश के सारे मुख्यमंत्रियों के साथ इस बात के लिए भी डिस्कशन कर लेते जब लॉकडाउन फर्स्ट था तभी, कि भाई इनको जहाँ जाना है, जिस स्टेट में कोई जाना चाहता, 10 दिन 5 दिन की छूट थोड़ा समय दे करके लोगों को भेज देते, लॉकडाउन लागू करते, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को उनके घर तक पहुँचा देते। तो इसका मतलब जो लॉकडाउन उन्होंने किया वो पूरी तैयारी के साथ नहीं किया। वहाँ पर मैं थोड़ा सा उनके जो किया टाइमिंग ठीक थी, लेकिन तरीका थोड़ा गड़बड़ हुआ है। मैं व्यक्तिगत स्तर पर देश के प्रधानमंत्री की इज्जत करता हूँ जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो है उसका दुरुपयोग करते हैं, कई बार अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं जी। देश का प्रधानमंत्री इस टाइम एक मेहनती प्रधानमंत्री है, जिनकी मैं तारीफ करता हूँ, मोदी जी को मैं लाइक करता हूँ, और बहादुर प्रधानमंत्री है। देश को ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है। मैं अपने पार्टी लाइन से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ जी। मुझे मोदी की कार्यशैली से प्रसन्नता है। उसने देश का कई जगह पर मान सम्मान बढ़ाया, धारा 370 को, जम्मू कश्मीर को अपने देश में विलय किया, राम मंदिर का ये इतना दिन से पेंडिंग मामला था उसको हल किया। इन बहुत से मुद्दों पर मैं मोदी जी की तारीफ करता हूँ, लेकिन उनके जो पार्टी के और दूसरे नेता हैं वो कर्मणहीन हैं जी। उनका जनता के बीच में सिर्फ सोसेबाजी करते हैं, वो काम नहीं करते हैं। अब दिल्ली में 7 सांसद, उनका कहीं लता पता नहीं है। दिल्ली का मुख्यमंत्री काम कर रहा है, गरीबों के में की मदद में लगा हुआ है, हमारे विधायक काम कर रहे हैं, इनके कोई काउंसलर का लता पता नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है जी। इससे मैं सहमत नहीं हूँ। प्रधानमंत्री का निर्णय टाइमिंग ठीक थी, लेकिन थोड़ा तरीका गलत और बेहतर हो सकती थी, तो उस पर थोड़ा सा मेरी मतभेद हो सकता है, लेकिन ओवरऑल लॉकडाउन सही टाइम हुआ था। जब प्लानिंग आप भारत के जो फंसे हुए यात्री, हमारे जो देशों में फंसे हुए यात्री हैं, उनको लाने का काम जब देश की सरकार कर सकती है हवाई जहाज से, तो मजदूरों को पहुंचाने का काम देश की सरकार क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। देश विदेश से आप लोगों को ला रहे हो, प्लेन बाय प्लेन ला रहे हो, बड़े लोग हैं, जबकि रोग फैला रहे हैं, बीमारी फैलनी उन्हीं से जी, आप उनके लिए तत्पर हो, लेकिन ये गरीब जो है इनके ऊपर भी संवेदनशील होना ही चाहिए जी, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। गरीबों के बल पर ही आप, इंडस्ट्री चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, आज इनके साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हो, कल को अगर वो साइड में हट जाएंगे, जमीन पे आ जाएगी अर्थव्यवस्था, वैसे भी जमीन पे अर्थव्यवस्था आ चुकी है। एक घर को बनाने के लिए, एक सड़क को बनाने के लिए मजदूर का हाथ बहुत निर्माता होता है हमारे देश का, वो बिना उसके हम कुछ नहीं कर सकते। आज उसी मजदूर को, उसी गरीब को सरकार नजरअंदाज कर रही है, कितना ठीक मानते इसको? मैं इसको बिल्कुल ठीक नहीं मानता जी, मैं इसको बिल्कुल ठीक नहीं मानता हूँ। ये देश गरीबों की खून पसीने की कमाई से बन रहा है जी। बड़े बड़े महलों में, तालिकाओं में बैठे हुए पूंजीपति इस देश को, ठीक है उन्होंने आर्थिक योगदान करते हैं, लेकिन इनको बनाने वाला अगर ये मजदूर नहीं रहेंगे तो कैसे देश बनेगा जी। तो इस पर तो सब सरकार को, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उसको संवेदनशील होने की जरूरत है। इस पर संवेदनहीनता अगर कोई दिखाएगा तो जनता उसको सबक सिखा देगी। पार्टी से हट के एक सवाल करूंगा, एक देश के नागरिक होने के नाते देश की सरकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस आर्थिक स्थिति में भी अपनी राजनीति कर रही है? मैं बिल्कुल इस बात पे कहना चाहता हूं कि इस टाइम में देश में राजनीति करने की जरूरत नहीं है। हर राजनीतिक दल को पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके जी इस टाइम में केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। आपको याद है पिछले 5-6 साल से हमारी सरकार दिल्ली में चल रही है, एलजी के माध्यम से उन पर कई बार उनको तंग किया जाता है, हमारे मुख्यमंत्री को कई बार उन्होंने तंग किया, हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी आज अभी आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार को अरविंद केजरीवाल कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा समर्थन हर तरह से, किसी तरह से अगर कोई कर रहा है तो इस समय केजरीवाल कर रहे हैं। मैं चाहता हूं देश के और अदर राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री हैं इस टाइम केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलें। इस समय राजनीति करने की जरूरत है, देश है तो हम सभी हैं,
देश सबसे बड़ा होता है, देश की कीमत सबसे बड़ी होती है, देश को नजरअंदाज कर कोई भी सरकार करेगी जनता उसको माफ नहीं करेगी। इस समय छिछोरापंथी करने की जरूरत नहीं है, राजनीति करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की बात करूंगा, दिल्ली में जो आंकड़े हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं कल की बात करूं, कल 1000 से ऊपर मामले सामने आए थे, जो 24 घंटे में सबसे अधिक मामले अब तक रिकॉर्ड में शामिल हुए हैं। उसके बाद भी दिल्ली में ढील देने की जो प्रक्रिया है वो चालू है। देखो भाई मेरी बात सुनो, आज आप समझ लीजिए कि लॉकडाउन चलो जिस टाइम में प्रधानमंत्री ने किया तो उस टाइम में एक जरूरी भी था, अगर नहीं होता तो उस टाइम स्थिति बहुत मतलब बेकाबू में होती। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस देश को बंद करके सिर्फ लॉकडाउन कर देने से इसका सलूशन नहीं होगा। बीमारी खत्म तब तक नहीं होगी जब तक इसकी दवा नहीं आएगी। तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरे देश को आप लॉक कर दीजिए। आप पूरे देश को लॉक कर देंगे, देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है और डूब जाएगी। हम जाएंगे, डूब चुकी है सर। चाइना बिल्कुल जीरो पे आ चुकी है, माइनस पे मिल जाएगी। चाइना ने शुरू किया जी, ये सारी साजिश चाइना की है, चाइना ने किया। अब आप देखिए वो अपना चला रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को तबाह करके रख दिया। भारत उसका निकटतम प्रतिद्वंदी है। तो मेरे ख्याल से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इतने बेवकूफ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, लोग कहते हैं ना आलोचना करते हैं, शेर है, उसने बोला कि भाई हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी चाहिए जी। और शुरुआत किया, थोड़े केस बढ़ेंगे, आपकी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। एक कारण और भी, देश की राजधानी में यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जी। देश विदेश से जितने भी लोग आ रहे हैं वो यहाँ क्वारंटाइन किए जाते हैं, उनमें से जांच होती है, उन्हीं में से निकलते हैं जी। तो मैं जितने आप केस दिल्ली में इस टाइम में बढ़ रहे हैं उसमें 50% में बाहरी लोग जो आकर के आ रहे हैं वो उनका भी योगदान है। अब वो ऐड हो रहे हैं दिल्ली के अंदर जी। तो ये हवा ज़्यादा बन रही है। आप लोग थोड़ा मीडिया वाले इसको भी रिसर्च करिए और मेरे ख्याल से नेगेटिव बात के बजाय पॉजिटिव बताइए। 15-16 हज़ार केस निकले हैं जिनमें से 7-8 हज़ार केस ठीक हो गए, उसका भी होना चाहिए जी। दिल्ली ठीक भी कर रही है। दिल्ली में हाथ की खबर यही है कि जितने ज्यादा केस आए हैं उससे आधे से ज्यादा केस ठीक हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। और दिल्ली नहीं पूरे देश में सावधानी, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज दूरी जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, बिल्कुल उस पर बढ़ा करके हमें काम तो करना पड़ेगा। नहीं तो भाई साहब 4,500 आदमी, करीब 4,700 आदमी अभी तक देश में मरे हैं, यहाँ 4.5-5 लाख लोग भूखे मर जाएंगे, फिर क्या होगा। अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से जहां 60 दिन से ऊपर हो गया लॉकडाउन को, अभी तक काफ़ी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉय को निकाल दिया है और काफ़ी कंपनियों में एम्प्लॉय को सैलरी तक नहीं मिली है। वो इस टाइम बेरोजगार हैं, भूखे मरे हैं, उनके लिए सरकार क्यों नहीं मदद करेगी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये करना चाहिए, सरकार को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, संवेदनशील होना चाहिए। इन्होंने 20 लाख करोड़ का, कितने का, 20 लाख करोड़ का अभी इन्होंने पैकेज, आर्थिक पैकेज दिया है। मजदूर को इसमें क्या मिला भाई, मजदूर तो अभी भी सड़क पे मर रहा है, ट्रेन से कट रहा है, बस से एक्सीडेंट हो रहा है। तो कुल मिलाकर के मजदूरों को इनको जरूर आर्थिक मदद देनी चाहिए, राज्य सरकारों के माध्यम से दो, चाहे जैसे चाहे, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, पहुंचे मदद। और हर राज्य सरकारों को भी आर्थिक मदद देनी चाहिए। इन्होंने दिल्ली को अभी तक आर्थिक मदद नहीं दिया जी, इन्होंने दिल्ली को भी देना चाहिए, हर राज्य सरकारों को भी देना चाहिए। साथ साथ में इनके पास भी पैसा अब कम हो गया है, तो अब इनको ये देखना चाहिए पूरे देश को खोलें, धीरे धीरे सोशल डिस्टेंसिंग का के मापदंड पर खरा उतरते हुए इंडस्ट्री को भी चालू करें। और जनता को अगर काम धाम में नहीं लगाएंगे, लोग भूखों मर जाएंगे भाई साहब। 5,000 आदमी तो अभी मरे, 5 लाख मर जाएंगे, फिर क्या होगा जी। मैं आपकी बात करूं उत्तम नगर वार्ड 28 एस से, जहां से आप अध्यक्ष हैं, जिस तरह केजरीवाल साहब ने कहा था कि मकान मालिक किराएदारों को परेशान ना करें, तो आपके वार्ड में भी, आपके इस क्षेत्र में भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो किराए पर रह रहे हैं, तो किस तरह वहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है, मकान मालिक परेशान से अभी यहाँ पर कुछ इस तरह की नहीं हुई। बहुत से मकान मालिकों ने संवेदनशीलता दिखाई है, मेरी जानकारी में 1-2 दोस्त हैं मेरे, उन्होंने, उनके किराएदार थे, उन्होंने किराया नहीं लिया, बोले भाई ठीक है कोई बात नहीं है। मैंने भी उनको रिक्वेस्ट किया था, विधायक जी ने भी हमारे एरिया में बोला कि भाई क्या नाम है, थोड़ा सा आप लोग संवेदनशीलता दिखाई, और मुझे खुशी है कि जनता ने उनकी बात को ध्यान रखा, हमारी बात को भी ध्यान रखा है। अभी बहुत से लोग जो है राहत में है, यहाँ ऐसी कोई विशेष दिक्कत नहीं है जी। जिस तरह केजरीवाल साहब ने भी और देश के प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि 3 बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, पहला सामाजिक दूरी बना के चलनी है, हाथों को अच्छे से धोना है, मास्क पहन के चलना है आपको, या मास्क पहन के निकलना है। तो आपके क्षेत्र में कितने लोग हैं पूरे जागरूक हैं जो इन सभी नियमों का पालन करते हुए दिखाई दे? मैं तो यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं अभी घर में बैठा हूँ, देखो ये मेरा मास्क है जी, मैं लगाता हूँ, आपसे इंटरव्यू दे रहा तभी हटाया हूँ, नहीं तो अमूमन मास्क में रहता हूँ जी। बाहर निकलता हूँ विदाउट मास्क, मैं नहीं जाता हूँ जी।
और जनता यहाँ पर जागरूक है, दिल्ली की जनता अनपढ़ नहीं है। मैं तो करीब करीब 99.9% एक आध कोई मूर्ख कोई हो तो अलग बात है, मैं सब लोग इन चीज़ों का पालन करते हैं, मुझे खुशी है। और दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, इस कोरोना के साथ जीने की आदत उन्होंने डाल लिया है, तो अब देश में भी पूरी तरह से ओपन करना चाहिए और खोल देना चाहिए। जी एक सवाल और करूँगा राजनीति को लेकर, जिस तरह दिल्ली में जो राजनीति है वो गर्मा गर्मी में आई है, कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा भी कि दिल्ली की सरकार है वो आंकड़े छुपा रही है। देखो भाई साहब, केंद्र सरकार नहीं, कुछ दिल्ली के लोकल नेता हैं जैसे मनोज तिवारी जी। अब इनकी कहानी क्या है, इनकी जमीन खिसक गई है जी, ये 20 साल से तो दिल्ली से बाहर है, नगर निगम में आते विधानसभा में 15 साल, लेकिन इनको कांग्रेस ने बाहर किया, 6-7 साल से आम आदमी पार्टी ने बाहर किया है, ये छटपटा रहे हैं बिन पानी की जैसे मछली वैसे छटपटा रहे हैं। इनके पास जो नेता हैं, मैंने बताया मैं मोदी का प्रशंसक हूँ, लेकिन ये बाकी जितने कर्महीन नेता हैं यहाँ दिल्ली के अंदर खासतौर से ये लोकल लीडर जितने मूर्ख हैं, गाली देते हैं भाई। अभी उनसे कुछ उनके खिलाफ कुछ बोलो, अभी आप इंटरव्यू मैं दे रहा हूँ, अभी वो कल से सोशल मीडिया पर शुरू हो जाएंगे कुछ न कुछ वक्त पर टेढ़ा मेढ़ा देना जी। मैं तो खैर बहुत छोटा भाई आदमी हूँ, हमारे नेता कुछ बोलते हैं उस पर उनका रिएक्शन होता है, कभी कोई दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसा लगता है जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोई आसान किया है, अरे भाई तुम्हारे कील ठोंक दिया, तुमको किनारे लगा दिया, तुमने सब कुछ किया, प्रधानमंत्री का उपयोग किया, देश की जनता ने मन बना लिया, दिल्ली की जनता ने भी मन बना लिया कि भाई केंद्र में मोदी तो प्रदेश में केजरीवाल, उनको पता है केजरीवाल काम कर रहा है, संवेदनशील है गरीबों का, देखो 2-3 महीने से वो बिल पानी बिजली के नहीं भेज रहा, उसको पता है कि जनता जो त्रस्त है उसमें नहीं देगी, वो हर चीज़ को जानता है। बाकी ये बैठ के सोसेबाजी करते रहे तो उससे कुछ फर्क नहीं, जनता सब जानती भाई साहब, जनता को पता है। जाते जाते अंत में सभी के लिए क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे आप तमाम उत्तम नगर की जनता के लिए, तमाम दिल्ली वासियों के लिए? मैं अपने उत्तम नगर की जनता से और देशवासियों को भी कहना चाहता हूँ, इस लॉकडाउन में आप लोग मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, अपने परिवार को अगर कोई विशेष कामना हो तो बाहर कम से कम निकलने दीजिए, उसके अलावा अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री में हो वहाँ पर भी आप अपना काम करो, शुरुआत करो। और प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन में जहाँ पर जो विशेष रूप से जहाँ परेशान लोग हैं उस एरिया को ब्लॉक करें, उसके अलावा इनको खोल देना चाहिए जी, कि भाई आप ओपन करो और क्या नाम है अपना नॉर्मल करें जिंदगी, इस तरह से तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। और शुभकामना देता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, अपने घर में मस्त रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना टाइम देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उत्तम नगर वार्ड 28 से अध्यक्ष नरेंद्र उपाध्याय जी, जिनका खास तौर पर कहना है कि अब आपको कोरोना के साथ ही जीना होगा, जिसने हमारे देश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है। आप अपनी चीज़ों को जिस तरह सामाजिक दूरियाँ हैं, हाथों को धोना, मास्क पहनना, इन नियमों का पालन करते रहें, और जिस तरह देश के प्रधानमंत्री भी अहम फैसले ले हुए हैं उसी फैसलों पर अटल होते हुए उनकी बात को माने। तब तक लेता हूँ नमस्कार, आप देखते रहिए दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।